आदेश उग्रपद जी जो कह रहे हो वही होगा। नहीं वृषभान काका, ये तो असंभव है, ये होगा ही नहीं। हाँ कान्हा, जैसा उग्रपद जी ने कहा है वैसा ही होना चाहिए। मित, आप कृष्ण को यहां से ले जाइए। आयन, तुम लौट आए पुत्र। हाँ काकी, मैंने स्वयं आयन को समझा कि माता पिता की हमसे बहुत सी आशाएं होती, वो चाहते हैं कि उनके पुत्र का संसार बसे, वृद्धावस्था में वो उनका सहारा बने। बस आयन को उसके दायित्व का आभास करवा के मैं उसे पुनः ले आई। राधा ने मुझे अपनी बालपन की मित्रता की सौगंध दी तो मुझे आना ही पड़ा। अब मैं राधा के विवाह में उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, उसके साथ ही रहूंगा। राधा बिटिया, मैं तुम्हारा ही उपकार जीवन भर कभी नहीं भूलूंगा कि तुम मेरे आयन को ले आई। ऋषभान जी, आप इस संसार के सबसे भाग्यशाली पिता हैं जो आपको राधा जैसी पुत्री मिली। आयन पुत्र, युवावस्था में अधिकतर ऐसे विचार हमें मार्ग से भ्रमित कर देते हैं, किंतु उसे त्याग कर आशा का हाथ थामना ही उचित आचरण है। तुमने लौट कर हम सबको सुख दिया है, हम सब प्रसन्न है पुत्र। ये कैसा उत्सव मना रहे हैं यहां? कैसा उत्सव मना रहे हैं? देखो तो सभी उपस्थित हैं यहाँ पे। वाह, क्या होने वाले वर को बुलाना किसी को उचित नहीं लगा? और राधा, तुम तो मुझे बता ही सकती थी ना, तुमने भी मुझे नहीं बताया। तुम यहां क्या कर रहे हो? भूल गए, 3 दिन तक तुम राधा से नहीं मिल सकते। काका, आप तो जानते हैं ना, मैं इन पुरानी परंपराओं में विश्वास नहीं करता। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता ये जो भी रीतियां हैं। मेरे विचार से मैं राधा से प्रेम करता हूँ, राधा मुझसे प्रेम करती है, और मैं जब चाहूं तब राधा से आके मिल सकता। देखो कृष्ण, बहुत भले हो किंतु दूसरों की भावनाओं को भी देखना चाहिए। तुम नहीं मानते किंतु हम तो इन रीतियों पर विश्वास करते हैं ना। हाँ कृष्ण, तुम अपने प्रेम के लिए दूसरों के विश्वास को अपने पैरों तले नहीं कुचल सकते, ऐसा मत करना। मौन रहना आयन, तुम राधा के केवल मित्र हो, मैं राधा का होने वाला पति हूं,
जिस घर में तुम खड़े हो उस घर का मैं होने वाला जमाई हो। स्मरण रखना, और आज के बाद इस स्वर में मुझसे कभी बात मत करना, परिणाम अच्छे नहीं होंगे। और आपको अपने होने वाले जमाई की छोटी छोटी इच्छाओं का मान रखना होगा ससुर जी। और वैसे भी मैं यहां पे केवल राधा से मिलने, उससे बात करने ही आया। कृष्ण, तुम इस प्रकार मेरी बाबा की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते। कृष्ण, तुम यहां से जाओ, यह उचित नहीं है। प्रीतिदा, समझाओ इसे। बाबा, मैं समझाती हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए। संसार में जो व्यक्ति तुमसे इतना प्रेम करते हैं, कैसे उसे तुमसे द्वेष करते हुए देखो।